स्वागत है आपका बैंकॉक के एक और नए व्लॉग में। मैं अभिषेक कालखंडे आज बैंकॉक से जा रहा हूँ पटाया सिटी, और पटाया जाऊँगा मैं बाय बस। यही यहाँ पर पटाया जाने का सबसे इजी और आसान तरीका है। मैं अभी हूँ टर्मिनल 21 एरिया, और मेरे सामने अभी अशोक का BTS स्टेशन है। यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा, और जिस जगह से मुझे पटाया की बस मिलेगी उस जगह का नाम है इक्कामाई स्टेशन, और उसका जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी इक्कामाई ही है। तो मैं अभी यहाँ से ट्रेन लेकर इक्कामाई से अपनी पटाया की बस लूँगा, और आपसे जानकारी शेयर करता रहूँगा। अगर आप भी यहाँ से पटाया सिटी जा रहे हो तो कैसे आप इजी तरीके से पटाया जा सकते हो। ये यहाँ पर मेरा अशोक का BTS, मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है इस टाइम, देखिए। तो मैं स्टेयर से नहीं जाऊँगा, मैं अभी जाऊँगा यहाँ पर एक्सीलेटर से। सो चलते हैं। अभी इक्कामाई स्टेशन में उतर चुका हूँ। यार बहुत सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने को मिल जाए। शायद आगे एक 7-Eleven है, वहाँ से मैं एक कॉफ़ी लेता हूँ और मेरे पेट में कुछ चला जाएगा। यार सुबह से भूखा हूँ अभी। गर्मा गर्म ले ली है अपनी कॉफ़ी, और ये सामने ही इक्कामाई स्टेशन है। सीट नंबर 33, ओके 33। मुझे सीट सबसे बैक साइड में मिली है, पर एक अच्छी बात यह है कि मुझे विंडो सीट मिल गई है। मैं बाहर आराम से देखता हुआ जाऊंगा अभी, और आपको भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ की दिखाऊंगा। ऐसा ना हो मैं उसके चक्कर में वो कर दूं, मैं उल्टा सीधा बोल दूं। तो लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं पटाया पहुंच चुका हूं। अभी मैं अपना ले लेता हूं लगेज, और ये बस को कह देते हैं हम बाय बाय। तो 45 भारत में मैंने यहाँ से कर ली है ग्रैब की बाइक टैक्सी, जो मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ देगी। मिलता हूँ आपसे अब मैं अपने होटल में। चलो कुछ नज़ारे दिखाता हूँ मैं पटाया सिटी कैसी है। मेरा जो होटल है वो पटाया का जो बस स्टेशन है उससे करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए चीप, आपके लिए भी एक चीप तरीका है कि आप ग्रैब की बाइक टैक्सी बुक कर लो, वो आपसे 48 बात से 50 बात में आपको आपके होटल छोड़ देगी, जिसका जो 3 से 4 किलोमीटर का इसका चार्ज होता है। तो मैं अभी अपने पटाया के होटल के रूम में पहुंच चुका हूं। मैं नहा लिया हूं, थक गया था बहुत ज़्यादा, और हल्का सा जुकाम भी हो गया। यार ट्रैवल वगैरह में जुकाम वगैरह ये होते रहते हैं। खैर मैं आपको अपने एक इस होटल के रूम का टूर दूंगा, बड़ा प्यारा सा मेरा रूम है। 1000 रुपये में मुझे पड़ा है, इंडियन करेंसी के 1000 रुपये। और अगर मैं इसकी आपको लोकेशन बताऊँ ना, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लोकेशन, क्योंकि ये पटाया की सबसे वाइब्रेंट नाइट लाइफ ही बिल्कुल बीचों बीच है। मतलब कि जैसे ही आप होटल से बाहर कदम रखोगे, आप पटाया की नाइट लाइफ में घुस जाओगे। खैर मैं आपको ये इसका टूर देता हूँ, फिर मैं आपको पटाया सिटी बाहर से घुमाऊँगा। ये मेरा कुछ ऐसा रूम है, हाँ थोड़ा बेड फैला हुआ है, पर सबसे बड़ी बात है कि 1000 रुपये में मुझे इस क्वालिटी का बेड मिल रहा है। ये देखिए इसका गद्दा कितना मोटा है, और ये फ़ोन जिसका हम कभी यूज़ नहीं करते। ये ऐसा है, ये AC मैंने बंद कर रखी है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया। ये मेरा सारा सामान, और ये यहाँ पर मेरा फ्रिज फुल्ली लोडेड है, पर मैं लिकर कंज्यूम नहीं करता हूँ, सो दैट्स वाई आई विल नॉट कंज्यूम। ये मेरी कॉफ़ी सॉफी। तो ये मैं फटाफट रूम टूर देता हूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर मेरा इसमें बैग आ गया,
ये मेरा ऐसा वार्डरोब, ये यहाँ से कुछ ऐसा बाहर का है, और ये मेरा वॉशरूम, ये मैं, और ये मेरा नहाने धोने का। तो ये एक छोटा सा रूम टूर था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अभी मैं यहाँ पर कोरल आइलैंड जा सकूँ, क्योंकि कोरल आइलैंड के लिए यहाँ पर फेरी चलती है, और शायद वहाँ से करीब 6 बजे के आसपास लास्ट फेरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पर पहुँच सकूँ और फिर वहाँ से वापस भी पटाया आ सकूँ। अगर मुझे वहाँ से कोरल मतलब फेरी नहीं मिली, क्योंकि अगर मैं लेट हुआ तो फिर मैं आपको पटाया सिटी के ही नज़ारे दिखाऊँगा। तो अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट कोरल आइलैंड की, जहाँ पर फेरी मिलेगी वहाँ पर। एक बात, अपने देश की अच्छी चीज़ों को पता तब चलता है जब हम अपने देश से बाहर निकलते हैं। इंडिया से बाहर आप कहीं भी जाओ, आपको पानी कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर तो पानी के फ्री में प्याव लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं हर गलियों में। गवर्नमेंट भी गांव के एरिया में सरकारी नल के लगाती है, शहर के एरिया में टंकी से पानी दिया जाता है। मतलब कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में भी हो ना, तो वहाँ भी मंदिर वगैरह में कहीं आपको फ्री पानी मिल जाएगा। पर थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन देशों में आपको पानी खरीद कर ही पीना पड़ेगा। और मैं भी अभी प्यास लगी है, तो सामने 7-Eleven है, यहाँ से पानी की बोतल लेके पानी पीता हूँ मैं अभी। तो ये सबसे सस्ता पानी मैंने ले लिया है, ये है 7 वाट का, लगभग 18 रुपये का पानी है आधा लीटर। तो अभी मैंने कोरल आइलैंड जाने के लिए, मतलब जहाँ से मुझे वहाँ की फेरी मिलेगी, उसके लिए मैंने अपनी ग्रैब की बाइक बुक कर ली है, और मैं आपको मिलता हूँ अब डायरेक्ट फेरी स्टेशन पर। ये पटाया बीच, मैं अभी फेरी स्टेशन पहुंच चुका हूं, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये सबसे फेमस पॉइंट है पटाया का, जो कि आपने बहुत जगह देखा होगा। यहीं से मुझे आगे से फेरी मिलेगी। यस, दिस वन, यस, कोरल आइलैंड। Okay, give me the ticket. Boat? Oh. तो भाई अभी बजे हैं यहाँ पर 2:30, और शायद 3:45 बजे यहाँ से फेरी चलेगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि फेरी मिलती कहाँ से है। ये कुछ ऐसी जगह है, इनको भी देख लो आप, कन्याओं को। खैर, तो अभी यहाँ से 3:45 बजे यहाँ से फेरी चलेगी, और वो 40 मिनट लगी वहाँ तक जाने में। उसके बाद फिर मैं कोरल आइलैंड पहुँचूँगा, और वहाँ से 6 बजे लास्ट फेरी है यहाँ के लिए। मुझे पता है कम टाइम है मेरे पास घूमने के लिए, पर कोरल आइलैंड ना जाऊँ उससे बेटर तो है एक बार वहाँ की धरती पर पैर रख के तो आ जाऊँ। यार यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मतलब सनस्क्रीन मुझे लेनी पड़ेगी, वरना मेरी गोरी गोरी त्वचा का राज जो है वो काला पड़ जाएगा। खैर, मैं आपसे मिलता हूँ अभी डायरेक्ट फेरी में। टिकट वगैरह का जैसे भी प्रोग्राम चलेगा मेरा, मैं आपको बताऊँगा। एंड टिकट, नो टिकट, नाउ वी कैन गो। हाँ, ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर टिकट दिया है मुझे 30 बात का, और कोई मतलब कोई हार्ड कॉपी नहीं दी है, बस पैसे काट लिए और बोल दिया कि आप जाओ बोट में चढ़ जाओ और मौज करो। यहाँ से मेरी जो ये बोट निकलेगी 3:03 बजे निकलेगी, और कोरल से लास्ट बोट है 6 बजे, लास्ट 6 बजे कोरल से बोट है। ये मुझे भाई मिला जो कि असम से है,
और मैं भारत की राजधानी दिल्ली से चलो खैर कुछ रास्ते के नज़ारे दिखाऊंगा और फिर कोरल आइलैंड घुमाऊंगा। तो अभी मेरी यहाँ से फेरी चल दी है कोरल आइलैंड के लिए, तो अभी पटाया करता हूँ मैं बाय बाय 2-3 घंटे के लिए, कुछ 6 बजे मैं वहाँ से वापस आऊँगा। और ये कुछ ऐसा यहाँ पर पटाया सिटी का कुछ नज़ारा है यहाँ पर। कोरल आइलैंड में आपका मेरे साथ हार्दिक स्वागत है। आप एक्सप्लोर करते हैं कोरल आइलैंड को। तो इस टाइम कोरल आइलैंड पे जो मौसम है वो बहुत ज़बरदस्त हो रखा है यार। थाईलैंड के मौसम का कुछ नहीं कह सकते। पटाया में इतनी ज़बरदस्त धूप थी कि ऐसा लगा कि सनबर्न हो जाएगा। तो कोरल आइलैंड में हमने स्कूटी रेंट कर ली है 200 baht के हिसाब से। इसमें उसने हमें पेट्रोल फुल दिया है और अभी मैं इसमें फटाफट, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि 5:30 बजे यहाँ पर फिर लास्ट फेरी पटाया सिटी के लिए निकलती है। जब मैं कोरल आइलैंड आया तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये गलत डिसीजन था यहाँ पर आने का, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, वो छोटे छोटे गाँव दिख रहे थे, ये पूरा एक अपना आइलैंड ही है। पर यहाँ पर जब मैं स्कूटी लेकर निकला, ये मेरी स्कूटी है, मुझे एक ऐसी लोकेशन यहाँ पर मिली जिसको देखकर तबीयत खुश हो गई। क्या बेहतरीन मंजर, वाओ, व्हाट अ बीच, ओ माय गॉड। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपकि अगर आप पटाया में हो तो कोरल आइलैंड ज़रूर आओ। हल्की हल्की अभी बारिश है जो कि मेरे कैमरे के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, पर इस चीज़ को देखकर मुझसे नहीं रहा गया। और यहाँ पर वाइट सैंड है यहाँ पर इस बीच की, यार बहुत ज़बरदस्त अभी यहाँ पर है। आप ज़रूर आइए अगर आप पटाया में हैं तो। मैं आ गया हूँ अभी कोरल आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। इससे ऊंचा पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है कोरल आइलैंड पे। और यहाँ पर भी सिर्फ हम दो ही हैं, मैं और जो मेरा स्कूटी पार्टनर है वो। और मैं यहाँ से आपको कोरल आइलैंड का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, ज़बरदस्त। और मौसम तो यहाँ पर ऐसा है ना, ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा यहाँ पर मौसम ज़बरदस्त है अभी। ये पैसे सारे नज़ारे के हैं इसके, क्या बात है यार, क्या जगह है। ये सबसे ऊंचा पॉइंट, यहीं से ही सारी हमारे फोन के टावर आ रहे हैं अभी। एक रात तो रुकना चाहिए, भले ही आप एक रात ना रुकें, पर पटाया से डे ट्रिप लीजिए, करीब 12 बजे यहाँ पर आइए और 5-6 घंटे में आप पूरा कोरल आइलैंड घूम लेंगे। वहाँ पर मेरे पीछे है पटाया सिटी का पूरा व्यू। ये देखिए, अभी मौसम बहुत सुहावना है तो यहाँ पर पटाया सिटी आपको नहीं दिखेगी, पर मुझे यहाँ पर पटाया सिटी दिख रही है। ये पहले, सबसे पहले ये ब्यूटी देखिए, वाओ, अमेजिंग। और ये सामने बिल्कुल यहाँ पर पटाया सिटी का व्यू। मैं वापस, मेरा टाइम हो चुका है 5:30 और 6 बजे हमारी लास्ट फेरी है पटाया जाने के लिए, तो यहाँ से अब हम फटाक से निकलते हैं। और यहाँ पर आने के लिए हम इतनी ज़बरदस्त चढ़ाई चढ़कर आए हैं ना कि स्कूटी की पाँव भूल गई थी। तो मेरी बोट अभी स्टार्ट हो चुकी है और ऑल सेट, मेरी बोट पूरी हाउसफुल है। ये कुछ देखिए, ये कुछ अभी हम चलते हैं पटाया की तरफ, वहीं पर मैं आपको मिलूंगा।
मार्केट घूमने के बाद जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो लास्ट में अंडा ऑमलेट प्लस राइस का ऑप्शन खुलता है जो कि यहाँ पर बनवा रहा हूँ मैं। थाईलैंड में ये सब जुगाड़ करने पड़ते हैं वरना आप भूखे रह जाओगे। खैर मैं इस पर फोकस करवाता हूँ और फिर इसका मैं टेस्ट बताऊँगा कैसा है। ओनियन कोनियन इनके पास नमक है वो बड़ी बहुत बड़ी बात है। हाँ नमक है बड़ी बात है उसके पास। दिस इज ब्लैक पेपर यू कैन पुट इट नो प्रॉब्लम। ब्लैक पेपर भी मिल गया इसके पास। ब्लैक पेपर ही मिल गया। हाँ गुड गुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक बोल दूँ इसको बनाने के लिए। तो ये मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है। ये देखो राइस एंड ऑमलेट। तो थाईलैंड में इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा वरना आप भूखे रह जाओगे। या फिर अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो कम से कम पर मील आपको 1200 से 1300 इंडियन रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सस्ते में ये मिलेगा आपको और ये भी बहुत सर्च करने के बाद ये चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर।